उधर प्रदेश भर में सरपंचों का कार्य बहिष्कार जारी है। पंचायतों में सरपंचों की तालाबंदी जारी है। आज होगी सरपंचों को मनाने की कोशिश। पंचायती राज विभाग आज फिर से बुला सकता है सरपंचों को। एसीएस अभय कुमार के साथ ये वार्ता होगी। सरपंचों की हड़ताल का राहत कैंप पर असर पड़ सकता है। सरपंचों ने सरकार के महंगाई राहत कैंप के बहिष्कार की चेतावनी दी है। 24 अप्रैल से आपको बता दें कि महंगाई राहत कैंप शुरू हो रहा है और इस पर इसका असर दिख सकता है। सरपंच संघ की लंबित मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने से सरपंचों में नाराजगी है। पहले 1350 करोड़ की राशि जारी करने पर ये सरपंच अड़े हैं। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर आप देख रहे हैं, पंचायतों में सरपंचों की तालाबंदी जारी है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष चौहान हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से। जी आशीष, बताइए, सरपंचों की तालाबंदी लगातार जारी है। देखिए बिल्कुल, सरपंचों की जो हड़ताल है, तालाबंदी है, वो पंचायतों पर अभी तक जारी है। और कल वार्ता का जो प्रस्ताव है वो पंचायती राज विभाग ने दिया था, लेकिन पंचायती राज विभाग से जो प्रस्ताव दिया गया था वो जो पंचायतों का बजट है उसके अलावा जो दूसरी मांगे हैं उसको लेकर उन्होंने प्रस्ताव दिया था वार्ता का। लेकिन सरपंच अड़े हुए हैं कि जब तक पंचायतों का बजट जारी नहीं होता है तब तक वे हड़ताल पर रहेंगे और बातचीत का दौर भी नहीं करेंगे। बताया जा रहा है कि 1350 करोड़ का जो बजट है वो अभी राज्य मद से जारी होना है, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से सरपंच लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सरपंचों की इसके अलावा दूसरी मांग भी है जिस पर वे अड़े हुए हैं, लेकिन अब की बार वे साफ तौर कह चुके हैं कि इस बार आश्वासन नहीं आदेश चाहिए, क्योंकि सरकार का महंगाई राहत कैंप 24 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो निश्चित तौर पर सरपंच जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार दबाव बनाने का भी प्रयास लगातार किया जा रहा है। और जो सरपंचों का दूसरा गुट है वो भी पूरी तरीके से सक्रिय है। कल जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिए गए थे और तमाम तरह की जो कवायद है वो यहाँ पर शुरू हो गई है, लेकिन आंदोलन से अब जो कामकाज है वो भी प्रभावित होना शुरू हो गया है। लेकिन देखिए 24 अप्रैल यानी कि सोमवार से ही जो दूसरा वर्किंग डे है अभी शुरू होने वाला है पहला, उसमें 24 अप्रैल से ही ये आंदोलन शुरू हो जाएगा और इसके साथ तेज हो जाएगा, और इसके साथ साथ जो महंगाई राहत कैंप है वो भी शुरू हो जाएगा। तो कैसे ये सफल होगा, क्योंकि जो गांव के विकास की योजनाएं हैं, आम लोगों को जागरूक करने का काम है, ये तमाम जो कार्य है वो सरपंच करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से जो कामकाज है वो कहीं ना कहीं ठप है। ऐसे में महंगाई राहत कैंप कैसे सफल हो पाएगा। जी शुक्रिया आशीष आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। चूरू के रतनगढ़